नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे उमा एक्सपोर्ट के बारे में। इस कंपनी की बात कर सो तो इस कंपनी में आज के दिन 20% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो सिर्फ इसका 50 रुपये के आसपास प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मतलब जो तेजी की बात करें तो तेजी को देखेंगे दोस्तों, तेजी की बात जो है कि लगभग अभी ये स्टॉक 56 रुपये से 60 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं पर दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर का कमेंट आ रहा था, क्या हम इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है। हालांकि दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से बात करूंगा, वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो जब से कंपनी का IPO आया है दोस्तों, तब से ये कंपनी डाउन भी है। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में फंसे हैं। जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और 20% की तेजी क्यों देखने को मिली, जिससे रिलेटेड भी मैं बात करूँ। हम आगे उमा एक्सपोर्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन 20% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर हम एक साल की बात करेंगे तो एक साल में आप देख सकते हैं कुछ भी तेजी नहीं। ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही थी, उसके बाद गिरावट, उसके बाद देखा है तो कुछ रिकवरी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, अगर हम 5 साल की बात करें तो जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई कंपनी, तो इस पॉइंट से देखेंगे तो बहुत सारे लोग IPO के थ्रू भी कर सकते हैं। या देखा जाए तो, मतलब दोस्तों देखिए क्या होता है कि हम आपसे क्या बताते हैं, कोई कंपनी कंसोलिडेट करती है तो उसके ऊपर जाने के चांस रहते, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो अभी तक ये कंपनी कंसोलिडेट ही कर रही है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट। लेकिन हाँ, IPO प्राइस की बात करेंगे तो उससे देखा जाए तो कंपनी अभी भी जो है कि लगभग 33% 40% के आसपास कंपनी डाउन है। वही मैगजीन चार्ट पैटर्न भी देखें तो वही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही देखने को मिलेगा, जो कि नेट इनकम 56% जंप है। EPS की बात करें, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी, मतलब सारा कुछ अभी तक कंपनी का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी को, मतलब जो मल्टीबैगर बनने का सोच रहे हैं, इस पर हैवी निवेश करेंगे, तो सबसे पहले आपसे बता देते हैं कंपनी बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। वहीं पर अगर हम इंप्लॉयज़ की बात करें तो मात्र 17 इंप्लॉयज़ के साथ कंपनी काम कर रही है। तो हालांकि दोस्तों, आज की तेजी को देख करके अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, मतलब देखा जाए तो इन सभी पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर भी बन सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो मैं आपसे बता देता हूँ ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी का जो एक्सपोर्ट का काम है दोस्तों, ये कंपनी जो है कि उमा एक्सपोर्ट इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मतलब जो अभी देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट्स भी जो है कि वो मोटा अनाज के बारे में, मतलब कुछ ज़्यादा ही जो कि उसको बढ़ावा दे रही है। तो इस पॉइंट से देखिए दोस्तों, जो कि स्पाइस, शुगर, तमाम जो है कि रेड चिली, टर्मरिक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि पल्सेस, टी, तमाम जो है कि फूड से रिलेटेड ये कंपनी जो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, जो कि ऑयल और केक भी इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि दोस्तों, जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि मात्र 200 करोड़ की कंपनी है। मतलब इस समय देख रहे हैं ना, 8 शॉपी रिटेल की बात करें तो उसकी क्या हालत है, और इस कंपनी की भी बात करें तो आज भी जो है कि 40% डाउन है। वहीं पर करंट प्राइस 56 रुपये के आसपास चल रहा है। लो की बात करेंगे तो कंपनी 35 रुपये का लगाया था, हाई की बात करेंगे तो 58 रुपये। यहाँ पर कंपनी का ROC 20 का है, 10 का फेस वैल्यू है, 72% का स्टेक प्रमोटर के पास है। हालांकि दोस्तों देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट है डेट की बात करेंगे दोस्तों, मतलब कंपनी के ऊपर डेट एक प्रकार से हाई आप कर सकते हैं। वहीं पे सेकंड दोस्तों, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट क्या है तो आपसे सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इसके जो कंपटीटर हैं अदानी ग्रुप, मतलब देखा जाए तो कुछ ट्रेवल्स वाले या जो कि लॉजिस्टिक वाले आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के कंपटीटर देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, पी की बात करें तो 6 का है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो इस पूरे सेक्टर में किसी का भी स्टॉक जो है कि प्लेज नहीं देखने को मिलेगा सिवाय इस कंपनी के। तो हो सकता है, मतलब देखा जाए, देखिए दोस्तों अदानी को तो जो है कि ऑलरेडी जाना जाता है, मतलब प्लेज इनके कुछ स्टॉक्स रहते हैं, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो मतलब न के बराबर प्लेज है, आज आपको न के बराबर दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये छोटी कंपनी है तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, समय आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 20% के आसपास है, 20% के ऊपर भी कर सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 50% का है। CGR भी देखा है तो कंपनी का माइनस में ही चल रहा है जब से कंपनी आई हुई। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 20 का है। वहीं पर अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा इसमें रिस्की पॉइंट, 4 साल से देखेंगे तो लगभग कंपनी के ऊपर इस समय 100 करोड़ के ऊपर डेट हो गए हैं। वहीं पर 150 करोड़ का रिजर्व है दोस्तों, देखा है तो डेट और रिजर्व दोनों कंपेयर करेंगे तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, सबसे पहले इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी तो आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए आने वाले फ्यूचर को लेकर के हो सकता है कि तेजी देखने को, लेकिन ये कंपनी मात्र 200 करोड़ की भी पूरी तरह से कंपनी नहीं थी। इस कंपनी को ऑपरेट करना ईजी हो सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर हम वहीं पर यहाँ पर पब्लिक में देखेंगे तो 27% का स्टेक पब्लिक के पास है, बाकी बचा हुआ स्टेक आपसे बताना चाहते हैं कि प्रमोटर के पास है। तो आपको पता है प्रमोटर के स्टेक में ट्रेडिंग होता ही नहीं। वहीं पर अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जितना भी देखा है तो टोटल पब्लिक के पास देख रहे हो, वो
भी इंडिविजुअल पर्सन, कुछ इतना खास जो ही नहीं कि मतलब किसी के पास 1% के ऊपर स्टेक हो, ऐसा भी नहीं दोस्तों। देखा है तो नॉर्मल इन्वेस्टर इस कंपनी में ज़्यादा देखने, इस स्टॉक की बात करें तो 20% का अपर सर्किट लगने का मतलब कि एक तरफा तेजी देखने को मिल रही, मतलब एक तरफा बाइंग किया गया है। वही भी दोस्तों कंपनी की बात करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि बीच में गिराने की कोशिश, देखिए दोस्तों गिराने की कोशिश तो की गई लेकिन स्टॉक गिरा कहाँ, यहाँ पर जो है कि ऑपरेटर इतना ज़्यादा एक्टिव रहे कि स्टॉक को हो सकता है कि और भी ऊपर लेके जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी की हाई की बात करेंगे तो 58.20 रुपये का जो कि कंपनी का बाउंड भी खाई है, एक्चुअल में कंपनी जो है कि 80 रुपये के ऊपर या 80 रुपये के आसपास जो है कि गई थी, वहाँ से लो की बात करें तो 28 मार्च 2023 को कंपनी 35 रुपये पर चल रही थी। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर देखा जाए तो इस स्टॉक मतलब देखिए क्या होता है कि कितना छोटा प्राइस दोस्तों, छोटा प्राइस होने का मतलब आप देखेंगे तो 24 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए 2 मिलियन के ऊपर, जिसमें 9 लाख के आसपास माल डिलीवरी उठाए गए जो कि 36-37% निकल के आता है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं तो इस अपर सर्किट को देख करके आप बाइंग मत करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना। हालांकि कुछ लोग कहें कंपनी के परफॉर्मेंस तो अच्छे हैं, तो दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं लेकिन ये कंपनी कर क्या रही है, एक्सपोर्ट का काम कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है, वो भी फूड सेगमेंट में दोस्तों। तो इस पॉइंट से देखा जाए दोस्तों मतलब देखिए जो काम कंपनी कर रही है, कंपनी का काम अच्छा है, अपने सेक्टर में आप लीडर नहीं कर सकते लेकिन हाँ बड़े बड़े कंपटीटर भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में 12%, मतलब इसके पहले भी इस कंपनी में गिरावट ही हो रही है, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने में 30% का कंपनी रिटर्न बना के दे दिया है, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 10%, मतलब यहां से अगर हम लो की बात करेंगे तो लो से अब तक देखा जाए तो कंपनी लगभग 50% के ऊपर रिटर्न बना के दे दिया है। हालांकि दोस्तों देखिए इन सभी स्टॉक में अपने को आपको अगर लगता है ऐसा कि फ्यूचर में कंपनी मल्टीवैगर बनेगा तो मेरे पॉइंट से देखिए इस कंपनी के लिए देखा जाए तो 10 शेयर भी बहुत हो जाते हैं। किसी ने दोस्तों कमेंट किया था कि एक 50 रुपये का शेयर था दोस्तों जिसके ऊपर हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था कि जो कि मल्टीबैगर बनेगा, हालांकि दोस्तों उसमें किसी ने 1,03,000 रुपये का निवेश किया है जो कि टार्क की हम बात कर रहे हैं। टार्क की बात करें तो ये कंपनी रियल इस्टेट में बिलोंग करती है, हालांकि दोस्तों अभी उनको जो है कि काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों बता दें कि जो इतना हैवी अमाउंट आपने निवेश किया है तो मेरे पॉइंट से देखा है तो इतना हैवी अमाउंट मतलब देखिए क्या होता है कि इन सभी स्टॉक के लिए 10,000-5,000 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि प्राइस छोटा है। और कंपनी की बात करें तो 190 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा रिस्की होती है लेकिन हाँ आने वाले समय दोस्तों मल्टीबैगर भी बनती है, ऐसा नहीं कि मल्टीबैगर नहीं बनती लेकिन जिस समय स्टॉक में तेजी रहेगी उस समय आप सेल करोगे नहीं और जिस समय गिरावट रहती है दोस्तों तो उस समय जो है कि आप मतलब उस समय भी आप सेल नहीं करते, मतलब पूरी तरह से आप जो है कि फंसते हुए ही दिखते हो। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी देखा है तो आने वाले समय में हो सकता है कि फ्यूचर में मल्टीबैगर का नहीं कर सकते दोस्तों लेकिन ना जिस प्रकार की कंपनी बिजनेस कर रही है तो हो सकता है कुछ अच्छा कर सकती है। हालांकि दोस्तों अगर कंपनी में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये देखा है तो छोटा स्टॉक है, इसमें कुछ भी टारगेट्स नहीं दिए जा सकते लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से हो सकता है कि ये कंपनी अभी अगर आप इसके मैगजीन चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक फ्लैट मतलब चलते हुए दिख रही तो हो सकता है कि ये कंपनी 50 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि दोस्तों अगर वहीं पे तेजी की बात करें तो हो सकता है कि ये कंपनी 60 रुपये के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है जो कि उसके आसपास ही चल रही है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।